तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास गिवन है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, मतलब कि बी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, ए बी और बी सी साइड्स गिवन है इसकी। तो चलिए पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल डेट बी है, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, इंटरचेंज्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी कितना गिवन है, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना गिवन है, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दो साइड्स गिवन है इसकी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ ए एंड कॉज ऑफ ए। सबसे पहले पार्ट में साइन ऑफ ए एंड कॉज ऑफ ए। अब ए एंगल की बात हो रही है, तो ए के ओपोजिट ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और जहाँ पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में लिखा था कि साइन कितना आ रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ ए की बात करें तो ये आ रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, दैट इज बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी ए सी की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे हमारी यूज होती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर दैट इज 7 का स्क्वायर एंड 24 यानी बेस का स्क्वायर। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाता है 49, ये आ जाता है 576। 49 प्लस 576 करें कितना आ जाता है, करके देखिए जल्दी से इसको, 49 एंड 576 तो ये आ जाता है हमारे पास 625। इट कम्स आउट टू बी 625 यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है, रूट ऑफ 625, इट कम्स आउट टू बी 25। तो हमारे पास अब बेसिकली तीनों साइड्स निकल गई हैं, ये 25 स्क्वायर, और बहुत इजी है, ये कितना आ जाएगा 7/25। तो ये आंसर साइन ऑफ ए का आ गया। दूसरी चीज़ क्या पूछी है, दैट इज कॉज ऑफ ए। कॉज ऑफ ए क्या आ जाता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। देखिए बहुत इजी सा है, कुछ नहीं किया हमने, बेसिक सी प्रॉपर्टीज लगाई हैं। अब सेकेंड इसका पार्ट आ जाता है, उसमें पूछा गया है साइन ऑफ सी एंड कॉज ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे सी एंगल की बात की गई है, ए की नहीं की गई है। अगर सी की बात की है तो ये हमारे पास इसके ओपोजिट बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जहाँ पे ये दो एंगल हैं ये बेस बन जाएगा। रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे जिस एंगल की बात की जाए उसके ओपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर। साइन ऑफ सी कितना आ रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही रहेगी 25। और इसका नेक्स्ट पार्ट है कॉज ऑफ सी, ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कॉपी पेंसिल साथ रख लीजिए ताकि इसको साथ साथ नोट करते रहें।